वेलकम बैक। आपके सवालों के जवाब अब शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स जुड़ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और शिव शंकर जी मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। शिव शंकर जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश से, बताइए सर, आपने कुछ डिटेल्स अपने म्यूचुअल फंड्स को लेकर मुझे दे रखी है। निपॉन का लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का कौन सा फंड है सर? हम फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप है। कोटक का मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, मोतीलाल का लार्ज और मिड कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप है। और ये बताएं आप कि आपको जो है 6 फंड्स तो आपने डाले हैं और सभी आपने उम्दा फंड्स भी पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं। जो आप 20,000 की SIP कर रहे हैं सर, कितने सालों तक आपको करनी है? मैम 10 साल करना है। ठीक है, 10 सालों की। ठीक है, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में आप कितने की SIP कर रहे हैं? अच्छा, इसमें तो SIP अभी बंद कर दी है। अच्छा, बंद कर दी है मैम। हाँ हाँ, तो मैम ये फंड कैसे हैं ये तो मैं जानना चाह रहा था सर। कोई खास लक्ष्य बंधा है क्या इन म्यूचुअल फंड्स के साथ, इस निवेश के साथ? मैम फंड तो ये लक्ष्य तो नहीं है ऐसा कोई, बस आपका सोच देखकर मैम एक मतलब इच्छा जागी और निवेश मतलब करने का मन में विचार आया। और मैम मैं आपके शो का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके शो के माध्यम से मैम हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती है। आपका धन्यवाद सर, आप हमें देखते हैं और आपने कुछ सीखा निवेश के बारे में और अपना पोर्टफोलियो भी बनाया, तो अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम आपकी आर्थिक ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ाने में काम आए हैं, तो आपका धन्यवाद। चलिए, तो कोई लक्ष्य आपने बांधा नहीं है, 10 साल आप निवेश करना चाहते हैं। जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि लक्ष्य बांधना कितना ज़रूरी होता है। जो फंड्स आपने लिए हैं वो शायद हमारे शो पर जो रेकमेंड हुए होंगे वही आपने नोट डाउन करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए हैं, जो बहुत हमारे ऐसे दर्शक करते हैं, तो क्यों ऐसा नहीं भी करना चाहिए आपको समझाएंगे। तो पंकज जी आपके पास मैं आती हूँ। पंकज जी, अक्सर हम कई बार बहुत सारे शोज क्योंकि हम इतने सालों में कर चुके हैं और कई बार ऐसा होता है कि सवालों में कुछ नयापन नहीं होता है, इनफैक्ट जो बात होती है वो है एक कॉमन थ्रेड। तो पिछले कुछ दिनों में जो लगातार हम शोज कर रहे हैं बहुत सारी कॉमन चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ तो फंड्स का सिलेक्शन ही है जो सामने आ रहा है। और एक ये बात क्योंकि शिवशंकर जी ने भी कही है, बहुत दर्शक भी पहले कहते आए हैं कि शो पर जो आपके फंड्स रेकमेंड होते हैं ना उन्हीं को ही हम अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं, क्योंकि उनका निवेश बहुत पुराना नहीं होता है, अभी शुरू किया हुआ होता है और सारे शोज को ही देख के उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में फंड्स डाल दिए होते हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है पंकज जी कि जब भी हम कोई फंड्स को रेकमेंड करते हैं शो पर वो उस दर्शक के लिए होते हैं, हालांकि बाकी उसके इर्द गिर्द की जो समझाइश होती है, जो आपको समझना होता है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, वो सीख कॉमन हो सकती है, लेकिन फंड का सिलेक्शन जो है उस दर्शक के जोखिम को देखते हुए, उनके फाइनेंशियल प्लान को देखते हुए, गोल्स को देखते हुए किया जाता है। बहरहाल, तो शिवशंकर जी ने भी कुछ ऐसा ही किया है पंकज जी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनके पोर्टफोलियो को छाट देते हैं क्योंकि इन्होंने टॉप क्वालिटी के सारे मार्केट कैप के फंड्स डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में। बिल्कुल कविता जी नमस्कार, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों बातें बिल्कुल सही है। एक तो गोल, यहाँ पर देखेंगे तो शिवशंकर जी ने गोल सेट नहीं किया, हालांकि भी कहा कि 10 साल निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा तय कीजिए कि किस चीज के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और कितने समय में वो गोल अचीव होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कविता, जैसा आपने कहा कि स्कीम का सिलेक्शन, देखिए स्कीम का अच्छा होना एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या वो स्कीम आपके गोल के हिसाब से सुटेबल है या नहीं है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है उसके हिसाब से सही रहेंगी या नहीं रहेंगी। और समय समय पर यह भी जरूरी है समझना, हालांकि हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ हो, लेकिन उसका एलोकेशन कितना हो परसेंटेज वाइज वो भी समय समय पर आपको देखना होता है, ये भी जरूरी है। तो इस हिसाब से अगेन मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो स्कीम सिलेक्ट की गई है बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन भी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप में एलोकेशन है। इक्विटी की बात की जाए और बात कर रहे हैं 10 साल की, तो 10 साल के हिसाब से मैं कहूंगा कि एलोकेशन अच्छा है, तो बहरहाल आप यहाँ पर टिके रहें कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर ये बात मालूम चले कि आपका गोल किस तरह का है, बच्चों की एजुकेशन है, तो
थोड़ा रिस्क कम लिया जाता है, लेकिन जब बात होती है कि बाहर घूमने जाना है तो रिस्क ज्यादा लिया जा सकता है, तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर 10 साल की बात कर रहे हैं तो करीब करीब 50 लाख 60 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर पाएंगे 10 साल में, जो आपने लमसम अभी तक इकट्ठा किया है वो, और प्लस आपके 20,000 रुपीज पर मंथ की जो SIP चल रही है उसके हिसाब से, यदि मैं 15 साल की भी बात करूं तो तब आपके करीब 12% के हिसाब से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो पाएगा। और यदि आप स्टेप अप कर लें इसका आपको फायदा मिलेगा हर साल, जो भी पॉसिबल हो 7% 10% से आप अपने निवेश को बढ़ाते रहें तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, ये जरूर करें। और जैसा मैंने कहा कि इस वक्त पर स्कीम जो है अच्छी है, समय समय पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और अपना जो भी गोल है उसके साथ में इसे अलाइन करें तो आप अपने गोल को जरूर अचीव कर पाएंगे। मेरे ख्याल से काफी हद तक शिवशंकर जी आपको एक प्रोसेस आगे बढ़ने का बता दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान तो यहीं तक आपका सीमित नहीं रहेगा, हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ें और आप भी आपको निवेश करना पड़े। तो कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको पंकज जी ने बताने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हो। कोई और सवाल पूछना है? एक सवाल पूछना चाह रहा था मैम, ये निपोन इंडिया स्मॉल कैप में जो 1 लाख रुपए जमा हो गए, इसे रिडीम करना चाहिए या मैम उसी में निवेशित रहना चाहिए? सर कोई जरूरत है क्या पैसों की? नहीं मैम अभी तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर पंकज जी बड़ा सवाल तो सबका यही है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो मुनाफा दिखाई दे रहा है तो मुनाफे से तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन डरते भी हैं क्योंकि इतना मुनाफा कहीं घाटे में तब्दील ना हो जाए। तो क्या मुनाफा बांध के किसी और लार्ज कैप में, और क्योंकि इनके पास एक पराग पारी का फ्लेक्सी कैप है जो कि लार्जली लार्ज कैप ओरिएंटेड भी है, तो क्या उसमें डाल दें मुनाफे को थोड़ा सा? इनके पास निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी है और प्लस पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड भी है, तो लार्ज कैप एलोकेशन है, बिल्कुल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है आपको, पुराना निवेश है आपका, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और थोड़ा वहां पर रख भी सकते हैं क्योंकि लंबा नजरिया है आपका, 10 साल की बात कर रहे हैं तो यदि थोड़ा फ्रैक्शन भी आता है तो 10 साल में तो फायदा होगा, प्रतिशत यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक किया जा सकता है। अच्छा पंकज जी, मान लीजिए कोई प्रॉफिट अगर नहीं बुक करता है, इनका नजरिया तो 10 साल का है ना, तो क्या बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल प्रॉफिट गायब हो जाएगा क्या? नहीं देखिए, अगर नीचे भी आता है तो 10 साल में ऊपर जाएगा मार्केट और स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन निवेशक क्योंकि कई बार ये सोचते हैं और साइकोलॉजिकली ये खराब भी लगता है जब आपका पैसा बढ़ गया और फिर अचानक कम हो जाए, तो अगर आप थोड़े डिसिप्लिन हैं और समझते हैं कि यदि इस वक्त पर प्रॉफिट बुक किया तो करेक्शन में फिर आप दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, अब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि अगर प्रॉफिट अभी बुक हो गया और फिर आप स्मॉल कैप में शायद नहीं एंटर कर पाए तो नुकसान भी हो सकता है, तो इस हिसाब से यदि आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने अगेन कहा एक जैसा रूल नहीं है सबके लिए, लंबी अवधि है आप बने रह सकते हैं, लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि इस वक्त पर थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए और फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद साल भर बाद जब वैल्यूएशन थोड़ी ठीक हो जाए उसके बाद स्मॉल कैप में फिर बढ़ा देंगे आप, SIP की अमाउंट को बढ़ा देंगे, तो ऐसा भी किया जा सकता है, ये आपको डिसाइड करना होगा। एक बात यह है कि यहाँ पर अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आप इस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन दोबारा से आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट को फिर से स्मॉल कैप में बनाना भी होगा। नितिन अरोरा साहब मेरे साथ फोन लाइन पे हैं जो सवाल रखेंगे विश्वजीत जी के लिए। नमस्कार नितिन, क्या हालचाल? नमस्कार, बढ़िया मैडम। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं करनाल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। करनाल हरियाणा से, चलिए अच्छा लगा। आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो आपने काफ़ी डिटेल में भेजा है, अपने सारे लक्ष्यों को आपने मेंशन भी किया हुआ है और मार्केट कैप के हिसाब से आपने अपने फंड्स की सिलेक्शन को भी डिवाइड किया हुआ है। 40,000 की आपकी SIP है, बेटी की पढ़ाई के लिए 11 साल और शादी 20 साल, खुद का रिटायरमेंट भी 20 साल, और EPF और NPS में आपका कंट्रीब्यूशन तो चल रहा है। फंड को हम रिव्यू करते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे ये बताइए कि कॉर्पस आपने मुझे नहीं बताया है, तो 11 साल के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए कितना इकट्ठा करना होगा? 1 करोड़ रुपए चाहिए मैडम मुझे 11 साल बाद बेटी की पढ़ाई के लिए। ठीक है, अभी बेटी मेरी 6 साल की है और अभी जो मेरे म्यूचुअल फंड्स टोटल अभी वैल्यू जो है वैल्यूएशन मार्केट वो लगभग 47-46 लाख का है अभी का मार्केट वैल्यूएशन जो है मेरे पोर्टफोलियो का। ठीक,
ठीक। और लगभग 2016 से मैंने स्टार्ट किया, 3000 SIP से स्टार्ट किया था मैडम, HDFC मिड कैप में। अभी मैं उसको इंक्रीज कर करके 40,000 पर मंथ अभी मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने ग्रेजुअली अपनी SIP को स्टेप अप किया है, निवेश की राशि बढ़ाई है। तो 11 साल के बाद 1 करोड़, 20 साल के बाद देखिए दो गोल एक साथ आ रहे हैं, पढ़ाई और आपकी बेटी की शादी और रिटायरमेंट। तो बताइए कितना कॉर्पस चाहिए होगा? बेटी की शादी के लिए मुझे लगभग 75 लाख चाहिए। ओके। और रिटायरमेंट के लिए मुझे 5 करोड़ चाहिए। ठीक है नितिन, आज की तारीख में 75 लाख बोल रहे हैं आप, 20 साल के बाद 75 लाख नहीं रहेंगे? यस मैडम, वो थोड़ा मैं जानता हूँ, कैलकुलेशन किया है, जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके अकॉर्डिंग 75 to 1 करोड़ का मेरा गोल है। तो मैं दोनों ही लक्ष्यों के लिए 1-1 CR, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, और 5 आपके रिटायरमेंट के लिए पकड़ के चलते हैं, उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से भी। बहुत बढ़िया। ओके विश्वजीत जी, बताइए कैसे शुरू करेंगे इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग? जी कविता जी, मैंने भी कुछ ऐसा ही लक्ष्य इनके लिए सोचे थे कि इनकी जो डॉटर की एजुकेशन है, जो अभी 6 वर्ष की है, 11 वर्ष बाद जब वो 17 साल की होंगी, हायर एजुकेशन के लिए उनको 50 लाख आज की तारीख में और 11 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए होगा। उसके लिए इनको करीब करीब 37,000 की SIP की आवश्यकता होगी। जो इनका प्रेजेंट कॉर्पस है 46 लाख, मैंने उसको भी काउंट नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मोटा मोटी 37,000 की SIP उसके लिए पर्याप्त रहेगी अगर वो 1 करोड़ का लक्ष्य चाहते हैं 11 वर्ष के बाद पढ़ाई के लिए। दूसरा, जो 2 लक्ष्य इकट्ठे आ रहे हैं, जो इनका रिटायरमेंट है और दूसरा इनकी डॉटर की शादी, तो वो 20 साल बाद है, तो उसमें करीब क्योंकि लंबा समय मिल जाता है, तो डॉटर की शादी के लिए इनको करीब करीब 17,300 की SIP चाहिए होगी। अगेन मैं उसको 1 करोड़ का लक्ष्य मान के चल रहा हूँ डॉटर की मैरिज के लिए। और जहां तक कि इनके रिटायरमेंट का सवाल है, बिल्कुल 5 करोड़ का लक्ष्य इन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रखा हुआ है। करीब करीब अगर 1 लाख का खर्च है आपका आज का महीने का मंथली एक्सपेंस, तो आज की तारीख में 2 करोड़ और 20 वर्ष बाद करीब करीब 5 करोड़ 30 लाख चाहिए होंगे। तो 5 करोड़ का अगर लक्ष्य लेके चलते हैं, क्योंकि इन्होंने EPF और NPS में भी निवेश किया हुआ है, तो मोटा मोटी वहां से हमें 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। 4 करोड़ के लिए इनको फिर से 40-42 हजार की SIP करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के लिए। मैंने प्रेजेंट कॉर्पस काउंट नहीं किया, वो भी उसमें मदद करेगा और काफी हद तक SIP के अमाउंट को कम करेगा। लेकिन ये करीब करीब 50,000 की SIP जो कर रहे हैं ELSS जोड़ के, उसको अगर 10% से अगर हर साल इंक्रीज करते जाएं, तो भी ये अपने गोल के, जितने गोल्स इन्होंने रखे हैं उसके काफी हद तक करीब पहुंच जाएंगे। तो ये तो था उनका गणित। दूसरा कविता जी, जो इन्होंने पोर्टफोलियो बना रखा है, बिल्कुल अक्रॉस मार्केट कैप्स है, लार्ज कैप भी ले रखा है, मिड कैप भी ले रखा है और स्मॉल कैप भी ले रखा है। इसके अलावा इनके पास 2 ELSS फंड भी हैं, तो मेरी ये सलाह रहेगी इसमें इनके पास एक DSP स्मॉल कैप है, क्योंकि स्मॉल कैप का पोर्शन भी काफी अधिक है, तो उसको चेंज करके ये निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में चले जाएं, तो इनको अक्रॉस मार्केट कैप का भी लाभ मिलेगा और थोड़ा सा स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो ELSS के लिए ये एक्सिस ELSS फंड में निवेश कर रहे हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपनी SIP वहां पे रोक दें और इसके बजाय SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो भी वो भी ELSS फंड है, उसमें शुरुआत कर दें, तो इनको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे और परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है। एक्सिस ELSS की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अभी ठीक नहीं चल रही है, तो ये 2 छोटे-छोटे बदलाव कर लें और जो SIP का लक्ष्य है वो कोशिश करें हर वर्ष 10% बढ़ाते जाएं, तो इस तेजी से चलेंगे तो करीब करीब अपने सारे गोल्स को आराम से हिट कर पाएंगे। चलिए नितिन, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप विश्वजीत जी को? सारा आपका मेरे ख्याल से क्लैरिटी तो दे दी है उन्होंने, बट फिर भी कोई आपके मन में सवाल? यस मैडम, मेरे 2 क्वेश्चन है मैडम। एक तो जो 46 लाख का अभी कॉर्पस है, वो कितना हो जाएगा आज से 15-20 साल जब मेरा गोल आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी या एक्सिस ELSS में ऑलरेडी मैं SIP बंद कर दिया है, लेकिन उसमें जो अमाउंट है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं नया फंड लेने की बजाय DSP ELSS टैक्स सेवर जो है, क्या उसी में ही अमाउंट इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी मुझे अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। और अभी जो मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया, अभी का पोर्टफोलियो मेरा अगर मैं CAGR उसका XIRR देखूं, तो लगभग 20% का मुझे XIRR अभी मिल रहा है, 19-20%। राइट, ओके, आई थिंक विश्वजीत जी एक एक करके जवाब दीजिएगा।
जी बिल्कुल नितिन जी, सबसे पहले तो जो आपने बोला कि आपका एक प्रेजेंट कॉर्पस है वो आपने लिखा नहीं था, तो इसलिए कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटी अगर आप 20 साल के लिए रखते हैं तो मोर और लेस 3 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस बन जाएगा अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके पास 2 ELSS फंड है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको 2-3 ELSS ही होने चाहिए, आप DSP ELSS फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। वही जो एक्सेस ELSS से आपने SIP रोकी है वो सेम अमाउंट आप DSP ELSS में कंटिन्यू करें, और जो एक्सेस ELSS में जो कॉर्पस पड़ा है जब उसके 3 वर्ष पूरे हो जाएं आप वहां से रिडीम कर सकते हैं और फिर कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 साल का पीरियड आपको ELSS में देना पड़ेगा और 1 ELSS से भी बहुत अच्छा काम चल जाएगा, और आपका जो प्रेजेंट कॉर्पस है वो भी 12% का CAGR लेके चले, और कुछ अगर हम उम्मीद करते हैं 6 वर्ष में डबल हो जाता है तो 18 वर्ष में करीब करीब 3-3.5 करोड़ का कॉर्पस उसमें आराम से बन जाएगा, तो एक अच्छा रिटायरमेंट की प्लानिंग उससे भी आपकी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट नितिन, और इसी के साथ एक झटपट ब्रेक के लिए भी हम रुक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, और साथ ही आपके सवाल भी आप पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़िए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बने अपना फाइनेंस मिनिस्टर, आपके सवालों के जवाब हम शो में दे रहे हैं, जहां पर लाइव सवाल भी हम ले रहे हैं व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के सवालों के भी जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तरुण गिरी का सवाल लेंगे। पंकज जी, सवाल आपके पास होगा, और इनके पोर्टफोलियो में 3 फंड्स हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी 2000 की SIP, निपॉन का स्मॉल कैप है इनके पास 1000 रुपये की SIP, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1000 की SIP, और जो निवेश करने का ड्यूरेशन है 23 साल ये बता रहे हैं। 23 साल में ये कितना इकट्ठा कर पाएंगे अगर इसी अमाउंट को ये इन्वेस्ट करते हैं तो? देखिए, यदि अगेन हम 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं, हालांकि इस समय बहुत लंबा है और आप उम्मीद कर सकते हैं इससे बेहतर रिटर्न आपको मिल पाए, लेकिन हम 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो करीब 53 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 23 साल में, क्योंकि आप 4000 की SIP कर रहे हैं। और कविता, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था पहले प्रश्न के उत्तर में कि इतने लंबे समय की बात हो तो फिर आपको इन्फ्लेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 53 लाख आज बहुत पत्ते हैं, लेकिन 23 साल के बाद तो इसकी वैल्यू इससे 1/4 या उससे भी कम हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि समय के साथ निवेश को बढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके पास स्कीम है, उनको मैं कहूंगा कि उन्होंने कहा था आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, ये स्कीम बेसिकली अब नाम चेंज होकर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड हो गई है। स्कीम अच्छी है, सभी स्कीम सही है, यहाँ पर बने रह सकते हैं, पर एक ही चीज जरूरी है कि यदि 23 साल की बात हो रही है तो निवेश को आपको बढ़ाना होगा अभी भी, और समय के साथ जितना हो सके बढ़ाते रहें। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से बेहतर होता अगर तरुण थोड़ा सा हमारे साथ फोन लाइन पर भी होते और डिटेल्स हम इनको सलाह भी दे पाते, क्योंकि ये प्लानिंग भी ना पंकज जी फेजेस में शायद बदलनी पड़ती है। अभी तो इन्होंने 23 साल का लंबा अंतराल के लिए ये फंड्स चेक करा लिए आपसे, लेकिन अब हो सकता है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, कुछ और भी चीज़ें होंगी लाइफ में, तो ऐसे में इन फंड्स को होल्ड करें कि नहीं करें, दूसरे फंड्स को अगर ऐड करना है तो वो किस तरह के फंड्स होने चाहिए, ये कुछ बुनियादी सवाल है मेरे ख्याल से जो रह जाते हैं। और अगर कॉलर हमारे साथ हो, दर्शक फ़ोन लाइन पर अवेलेबल हो तो हम पूछ भी सकते हैं। बहरहाल, यहाँ पर 53 लाख और स्कीम्स आपकी अच्छी हैं तो आपको ये कैलकुलेशन दी है पंकज जी ने। आगे बढ़ते हैं, मिंटू का सवाल मैं लूँगी, ये भी यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, और इनको चाहिए 1 करोड़ रुपए। विश्वजीत जी, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इनको बनना है करोड़पति लेकिन 2040 तक, और उसके लिए ये बोल रहे हैं कि कितनी अमाउंट की SIP इनको करनी होगी, और इन्हें जो है सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना है, और 3 SIP के नाम, तो मैं सोच रही हूँ 3 फंड्स के नाम ये जानना चाहते हैं आपसे, और उसके मुताबिक जो है ये इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करेंगे। मिंटू जी, फ़ोन लाइन पर होते एक बार फिर से तो और सवाल हम आपसे पूछकर क्लैरिटी ले लेते, क्योंकि हालांकि इनकी अप्रोच मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। विश्वजीत जी, पहले उन्होंने साल आंक लिया 2040, और 2040 तक मुझे चाहिए 1 करोड़, तो आप बताइए मुझे कितना निवेश करना होगा। तो खैर, शुरू करते हैं, बताइए।
बिल्कुल जी मिंटू जी, करोड़पति बनना चाहते हैं तो अवश्य उनका मदद की जाएगी। अगर 1 करोड़, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य टाइम पीरियड बिल्कुल डिसाइड किया हुआ है 2040 में, तो करीब करीब 16 साल बनते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से 18,000 रुपए की SIP उनको शुरुआत करनी होगी अगर वो 1 करोड़ बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर 18,000 रुपए उनको ज्यादा लगते हैं तो वो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि 10,000 रुपए की SIP से स्टार्ट करें और हर वर्ष 10% का स्टेप अप करें, तो भी वो अपने 1 करोड़ के लक्ष्य पे आराम से पहुंच जाएंगे। जहां तक कि उनका सवाल है कि 3 SIPs वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ एवरग्रीन फंड्स को हम चुनाव करेंगे, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पे वो अपनी SIP शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि उनकी एसेट एलोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ICICI प्रोडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, जिसमें डेट, इक्विटी, कमोडिटीज और गोल्ड भी होता है, इसके अलावा रियल एस्टेट में भी कुछ पोर्शन इन्वेस्ट होता है, तो अक्रॉस एसेट क्लास भी निवेश हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरा फंड जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अक्रॉस मार्केट कैप, अक्रॉस एसेट क्लास इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और मैं उनको जरूर सलाह दूंगा कि हर वर्ष वो एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें, और इसके अलावा 10,000 रुपए से शुरुआत करेंगे और 10% बढ़ाते जाएंगे तो अपने करोड़पति के लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। मेरे साथ अरविंद गुप्ता जो हैं हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार अरविंद गुप्ता जी। जी कैसे हैं सर? ठीक हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी चेन्नई से बात कर रहा हूँ। अच्छा बताइए सर, आपको टैक्स सेविंग के लिए LSS शुरू करनी है? यस मैडम, मुझे चालू करनी है LSS फंड, तो मुझे 12,000 की चालू करनी है LSS फंड में, जो कि टैक्स सेविंग के लिए मेरा काम है। तो मैं भी सोचा कौन कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करूं। सर अब के साल का हो गया बंदोबस्त, 31 मार्च तक का आपने कर लिया? उसमें कोई LSS है? जी उसमें LSS में एक्चुअली 3 फंड में मैं डाला हूँ, उसमें एक में पराग पारिक टैक्स सेविंग में डाला हूँ, और पॉइंट में भी डाला हूँ, और बंधन में भी डाला हूँ। तो और क्यों चाहिए, 3 है तो? लेकिन मैं तो इमरजेंसी करके मैं डाल दिया मैडम, लेकिन मुझे एक सही जानकारी मार्गदर्शक चाहिए कि मैं दो LSS चलाऊं, 3 LSS चलाऊं तो कौन सा AMC का चलाऊं? देखिए चलाना तो आपको एक ही चाहिए, अगर आपको टैक्स का फायदा ही उठाना है तो। अब आपने 3-3 कर लिए हैं, अब इसमें से किसको रोकें वो बताते हैं। पंकज जी 3-3 LSS इन्होंने पैसे डाल रखे हैं और तीनों ही मेरे ख्याल से अच्छे हैं। बंधन बताया, पराग पारिक बताया, और एक और कौन सा बताया आपने अरविंद जी? क्वांट का बताया। हाँ समझ गए, क्वांट, पराग पारिक और ये दूसरा, ये बंधन, बंधन का। ठीक है अरविंद, पंकज जी देखिए, अरविंद जी तीनों स्कीम क्वांट टैक्स सेवर, बंधन और पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड, तीनों अच्छे फंड हैं, लेकिन जैसा कविता ने भी कहा 3-3 फंड की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना ITR फाइल करते हैं तभी आपको फायदा है, अदरवाइज ATC के तहत छूट न्यू टैक्स रिजीम में मिलती नहीं है। तो ये भी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अगले साल क्या करना है, कि इस साल का जो करना है आपने कर लिया, अगर करना कुछ बाकी है तो इस वक्त होगा उसी का आपको फायदा मिलेगा। बेशक यदि आप अगले साल की बात कर रहे हैं तो अगले साल के लिए पहले डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम सुटेबल रहेगी, और यदि ओल्ड टैक्स रिजीम सुटेबल है तो आपके पास क्योंकि तीन स्कीम है, मैं कहूंगा तीनों में या तो आप आगे बढ़िए, इनमें से यदि 2 करनी है, हालांकि तीनों ही अच्छी हैं, बट फिर भी यदि कहूं तो आप क्वांट टैक्स सेवर को चूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी डायनेमिक पोर्टफोलियो है इसका, और साथ में पराग पारिक को रख सकते हैं, तो एक तरफ थोड़ा सा वैल्यू स्टाइल हो जाएगी और एक तरफ थोड़ा डायनेमिक असेट वाली स्टाइल होगी, डायनेमिक फंड मैनेजमेंट। तो इस हिसाब से 2 स्कीम को चुन सकते हैं और उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, नई स्कीम ऐड करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट अरविंद जी क्लैरिटी मिल गई? अगर किसी एक के साथ जाना होगा तो कौन से एमसी के साथ मैं जाऊं? अगर किसी एक के साथ जाना हो तो पंकज जी एक काम कीजिए, लॉन्ग टर्म की बात है, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड उसके साथ आगे बढ़ चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूर गोरी का सवाल मैं लूंगी। सर नमस्कार। नमस्ते मैम, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, थैंक यू आपने मेरा क्वेश्चन लिया है। थैंक यू आपने सवाल अपना भेजा हमें सर।
आपके फंड्स हाँ, मेरे पास हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। एच एस पी सी वैल्यू, एच डी एफ सी मिड कैप, कैनरा बैंको का इमर्जिंग इक्विटी, डी एस पी मिड कैप, एस बी आई मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एस बी आई स्मॉल कैप, निपॉन मल्टी कैप। 2015 से आप इस पोर्टफोलियो में हैं और ठीक है। तो अब ये बताइए, आपने कहा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक्सेस ब्लू चिप भी आपके पास, कितने समय तक और इन्वेस्ट कर पाएंगे मैडम? और कम से कम 10 से 15 साल। और 10 से 15 साल, बहुत बढ़िया। yes, ma'am. तो आपने धीरे धीरे इन फंड्स को जोड़ा है कि 2015 से लगातार आपने इन्हीं फंड्स में निवेश किया है? मैडम मतलब एक भी फंड मैंने आज तक बंद नहीं किया है, तो 2015, 16, 17, 18 हर साल कुछ ना कुछ करते जाता हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि मेरे जो यूनिट्स है मार्केट उसे 10% क्रैक हुई है तो मैं टॉपअप भी डालते जाता हूँ। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। और कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है? अभी मैडम मेरी म्यूचुअल फंड की टोटल वैल्यू अगर जो काउंट करने जाएंगे ना 28 to 29 lakhs म्यूचुअल फंड की मेरी वैल्यू है, और कॉर्पस मुझे 2 crore के आजू बाजू कलेक्ट करना है। मैडम मेरा क्वेश्चन एक यही है कि मतलब डीएसपी मिड कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी और एसबीआई स्मॉल कैप, ये तीन में मुझे अभी परफॉर्मेंस कम जैसा लग रहा है, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो इसमें मुझे बने रहना चाहिए या स्विच करना चाहिए, वो मुझे पूछना था। एक टाइम था जहाँ पर आपने इनमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी आती हुई देखी होगी, है ना? यस मैम। चलिए तो विश्वजीत जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर बहुत रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही है कि पिछले अगर हम एक दशक की बात करें विश्वजीत जी, तो अधिकतर मिड कैप स्मॉल कैप की एक्टिव स्कीम्स ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, ठीक है? और ऐसे में मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप कंसिडर करना चाहेंगे डीएसपी मिड कैप और स्मॉल कैप को भी, जहां पर बाकी अपने पेयर्स के मुकाबले बेंचमार्क के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस फिलहाल दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली एक्टिव कॉल्स लेते हैं फंड मैनेजर्स, तो उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी स्टॉक पिकिंग बहुत अलग होती है, लेकिन ये तो इनका नज़रिया तो 15 से 20 साल का है और लंबा है। तो ऐसे में इस अंडर परफॉर्मेंस के फेज़ को और गौर कीजिएगा, ये अंडर परफॉर्मेंस का फेज़ तब है जब सभी कुछ परफॉर्म कर रहा है, है ना? तो चिंता तो होना लाजमी है, क्या करें? जी बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है काफी लंबे समय से, तो जरूरी है कि हमें उस फंड से स्विच कर लेना चाहिए किसी और अच्छे फंड में जो अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे डिस्टेंस से बीट कर पा रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप निवेशित हैं, आप स्मॉल कैप से किसी और अच्छे स्मॉल कैप फंड में चले जाते हैं तो, और इसमें मेरे ख्याल में कोई यही पोर्टफोलियो रिव्यू है, इसी के लिए एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता भी होती है। तो जैसा बिल्कुल सर ने बताया कि मयूर गौरी जी ने कि ये पोर्टफोलियो ट्रैक कर रहे हैं और जो फंड्स के इन्होंने नाम लिए वो काफी समय से अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने नाम नहीं लिया, एक्सिस ब्लू चिप फंड भी है जो अभी काफी समय से अपनी बेंचमार्क को नहीं बीट कर रहा है, तो मैं सुझाव दूंगा कि उसको भी स्विच करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में चले जाएं जो काफी समय से अपने बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है और एक्टिव फंड भी है। इसके अलावा जैसा उन्होंने बोला डीएसपी मिड कैप, यहां से भी आप स्विच करके मेरे हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी है और एक नई कैटेगरी ऐड हो जाएगी, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में स्विच कर जाएं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड से स्विच करके आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में चले जाएं, ये भी एक न्यू कैटेगरी है जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगी। तो ये तीन बदलाव अवश्य करें। इसके अलावा जो आपकी कैलकुलेशन है, जो आप गोल्स की अमाउंट रखी है, अगर हम 15 वर्ष का समय लेते हैं तो मैंने आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस, मुझे आइडिया नहीं था, करीब करीब आप 24,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो 1,21,00,000 बनता है। और अगर हम इसमें 10% का स्टेप अप कर दें तो केवल ये 24,000 की एसआईपी, 10% का स्टेप अप, 12% का सीएजीआर, 2 crore का लक्ष्य आप आराम से अचीव कर पाएंगे। उसके ऊपर जो आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उस पर भी 12% का रिटर्न लगेगा तो वो एडिशनल है, तो आप 2 crore का लक्ष्य अचीव कर सकते हैं गौरी जी। और इसके अलावा ये तीन फंड जो आपने बिल्कुल कंसिडर किए थे, इसको आपको स्विच कर लेना चाहिए अच्छे बेटर परफॉर्मिंग फंड में जो अपने बेंचमार्क को, एक्टिव फंड है और अपने बेंचमार्क को भी लगातार काफी लंबे समय से बीट कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव अवश्य करें और आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है, कोशिश करें जैसा आपने बोला 10% का स्टेप अप हमेशा हर वर्ष अपने एनुअल इंक्रीमेंट एसआईपी में करते रहें। चलिए मयूर जी, सलाह समझ में आ गई, कुछ पूछना चाहते हैं और? मैडम लार्ज एंड मिड कैप में है ना ऑलरेडी कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड मेरे पास है, वो भी 2018 से मैं होल्ड कर रहा हूँ। राइट,
तो वो अभी थोड़े समय के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैंने आपको एक और फंड बताया SBI लार्जर मिड कैप, वो वाली SIP भी आप इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके पास एक ही फंड होगा उस कैटेगरी में जिसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन का लाभ भी मिल जाएगा, और आपके पास 10 फंड है तो ये फंड साइज भी काफी कम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट मयूर जी। और चलिए और भी सवालों को शामिल करना है शो में, लेकिन उससे पहले एक बार निवेश का गुरु मंत्र हम देख लेते हैं। पंकज जी, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा? ये कविता जी, अक्सर निवेशक हम देखते हैं कि जो अच्छे फंड्स होते हैं, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग भी और आगे के लिए भी उम्मीद अच्छी होती है, उनमें निवेश करते हैं, और हम देखते हैं शो पर जो हम रेकमेंड करते हैं उनमें निवेश करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि हर अच्छा फंड आपके लिए सुटेबल हो, ये जरूरी नहीं है। तो जब भी आप निवेश करें तो पहले तो ये डिसाइड करें, ये पहले जरूर चेक करें कि वो फंड सच में अच्छा है और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या वो फंड आपके गोल के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से सुटेबल है या नहीं है। तो हमेशा निवेशक इस बात का भी ध्यान रखें कि फंड अच्छा होना चाहिए और आपके गोल के लिए वो सुटेबल होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल कविता जी, जैसे कि आपने शो की शुरुआत भी करी थी कि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि टॉप रेटेड फंड ले लिया तो, या टीवी चैनल पे सुन लिया तो वो उनके लिए कस्टमाइज है। तो मेरी सलाह भी यही है जैसा पंकज जी भी कह रहे थे, ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर आपने कोई टॉप रेटेड फंड ले लिया तो वो हमेशा आपको अच्छी रिटर्न्स देता रहेगा। आपको कोशिश करनी है कि जो फंड आपने लिया है उसके बेंचमार्क से आप हर वर्ष उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, इवैल्यूएट करें। अगर वो लंबे समय से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है तो वहां पे आप सोच सकते हैं कि उस फंड से एग्जिट हो जाएं, और अगर वो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है तो आप उस फंड में निवेशित रहें। तो गुरु मंत्र यह है कि आपको अपने फंड के साथ जो बेंचमार्क है उसके साथ कंपेयर करना है, लगातार उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहें, तभी आप उस फंड में बने रहें या फिर एग्जिट हो जाएं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और सुनील कुमार मेरे साथ अब फोन लाइन पर हैं अपना सवाल लेकर। नमस्कार। नमस्कार मैडम। ओके, आपके पास HDFC इंडेक्स है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, और 15 साल में 50 लाख एक फंड में कर रहे हैं 4,000 की, एक फंड में कर रहे हैं 3,000 की। सर ये लेने हैं कि ले लिए हैं? मैडम ये ले चुका हूँ अभी 2024 में, फर्स्ट में लिए थे जनवरी में। अच्छा अच्छा, और कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे सर? 15 साल तक। अच्छा, और 50 लाख का आपने लक्ष्य जो है वो डिसाइड कर रखा है। समय समय पर अगर SIP बढ़ानी होगी तो कर पाएंगे? जी मैडम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से वो करता हूँ जो। ठीक है ठीक, ओके। विश्वजीत जी बताइए। कविता जी ये सवाल शायद पंकज जी के पास है। पंकज जी आपके पास है सुनील कुमार का सवाल? कोई बात नहीं, सवाल मेरे पास भी नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है। जो फंड चुने हैं अच्छे फंड हैं। फंड, हाँ जी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की आपने बात की, ये 3 फंड है और आपका लक्ष्य भी लॉन्ग टर्म है। साथ आपने ये भी कह दिया कि समय के साथ आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और बढ़ा सकते हैं SIP को, तो जो SIP का अमाउंट आपने डिसाइड की है वो भी अच्छा है। और देखिए, एक लार्ज कैप फंड है Nifty 50 और दूसरा मिड कैप फंड है, और आपने जो लोकेशन किया है लार्ज कैप में 4,000 और मिड कैप में 3,000 कम रखा है, ये भी अच्छा है। मेरे हिसाब से दोनों फंड के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त पर स्मॉल कैप ऐड करने की सलाह मैं नहीं दूंगा आपको, लेकिन आगे बढ़कर, आगे चलकर आप एक मल्टी कैप फंड के जरिए स्मॉल कैप एक्सपोजर ले सकते हैं, या फिर समय अच्छा रहेगा तो स्मॉल कैप भी ऐड कर ले। पर फिलहाल के लिए दोनों स्कीम बेहतरीन है, इनके साथ आप आगे बढ़ते रहें। चलिए, इसी के साथ आज का समय मेरा समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का शो पर शिरकत की और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपको छोड़ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ और हमारे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के साथ, यूट्यूब पर खासतौर से, क्योंकि आप बहुत दर्शक हमें लाइव शो भी देखते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में जाके पुराने शोज भी देखते हैं। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़िए तो हम आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं। नमस्कार। हालांकि है तो कोटक म्यूचुअल फंड के दफ्तर में, लेकिन वहां पर हमें खूबसूरती